हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी MW सीरीज़ पसंद आ रही होगी और हम आपको अपने साथ कनेक्ट रखते हुए अपडेट करते चले जा रहे हैं कि क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे MWC 2024 में दिखाई जा रही हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें जल्द अज जल्द 100K सब्सक्राइबर फैमिली बनाइए। हमारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हम हा हा हू ही बिल्कुल नहीं करते। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि अपनी यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करें और उनको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए। तो ये बहुत ज्यादा बातें हो गई, चले चलते हैं आज हम लिनोवो और मोटोरोला के बूथ के ऊपर। जिन लोगों को नहीं मालूम कि ये दोनों एक ही पेरेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो आज हम बताते चलें कि लिनोवो ग्रुप और मोटोरोला ग्रुप बेसिकली ओन्ड बाय मोटोरोला और यहाँ पे दो बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट, इनफैक्ट तीन बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च की गई है। बल्कि एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की गई बल्कि उसका कॉन्सेप्ट दिखाया गया है और एक प्रोडक्ट जो 2023 में ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है जिसको मोटोरोला S2023 के नाम से पुकारा जाता है। तो पहले चले आपको लिए चलते हैं मोटोरोला कॉन्सेप्ट फोन की तरफ जिसको ये टेंट मोड भी कहते हैं। ये बेसिकली एक PLOD स्क्रीन है जिसको फोल्ड किया जा सकता है आपकी रिस्ट के चारों तरफ और ये एक मोटोरोला का एडेप्टिव डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है और इसको आप नॉर्मल 6.9 इंचेस मोबाइल फोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल ट्विस्ट हो जाता है, एक घड़ी की तरह आपके ऊपर रिस्ट के ऊपर बांध दिया जाता है। मोटोरोला का कहना ये कि इस फोन को रखने वालों को स्मार्ट वॉच रखने की जरूरत नहीं है। अब आई डोंट नो मोटोरोला तक कितना कामयाब होता है कितना कामयाब नहीं होता। देखने में फोन काफी स्लिम और अट्रैक्टिव लगता है। आई डोंट नो, मैंने ये हाथ लगा के अपने रिस्ट में पहन के नहीं देखा कि कितना वेट है इस फोन का। अगर ये वेट 180-160 ग्राम से ज्यादा का है तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा लगेगा कि रिस्ट के ऊपर जो है जनाब वो हथकड़ियां बांध दी गई हैं। अगर इसका वेट 100-150 ग्राम के अंदर अंदर रखा जाता है तो देट इज समथिंग गुड कि बंदा उसको हाथ में इजीली रख सके। अगर ये वेट, लेकिन अगर ये वेट 150-200 ग्राम से ऊपर चला जाता है तो मुझे ऐसा लगेगा ये बिल्कुल भी अच्छी प्रोडक्ट नहीं होने वाली। खैर, ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2024 में लॉन्च की जाए, हम सब इंतज़ार में हैं। देखते हैं कि मोटोरोला इस प्रोडक्ट के साथ क्या करता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे मोटोरोला एश जो कि 2023 में लॉन्च किया गया और काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुआ है और हम कह सकते हैं कि मोटोरोला ने अपना स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक तरीके से कमबैक किया है इस मोटोरोला S2023 से। तो दिखने में ये फ़ोन बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत आईडी है और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ दो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, एक ये कि इसकी फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, दूसरा इसका कैमरे की स्टेबलाइजेशन जिसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, और तीसरी चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो है इसका डिस्प्ले। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले है इसका, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप सैमसंग की डिवाइस हाथ में लिए हुए हैं मोटोरोला की। ये कुछ हम कैमरे आपके लिए दिखाने के लिए कुछ जूम शॉट्स आपके सामने हम कैप्चर कर रहे हैं। आप देखें, आप बताएं कि आपको ये जूम शॉट्स कैसे लगते हैं। कुछ वीडियोज़ बनाते हैं आपके सामने और आप बताएं आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। ये प्रोडक्ट कुछ तादाद में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अवेलेबल है। बेसिकली मोटोरोला ने सबसे ज़्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ गया ही नवंबर 2023 के बाद है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि Q1 Q2 2024 में ये प्रोडक्ट हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ज़्यादा नज़र आने वाली है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इट इज़ सपोर्टेड बाय 8GB रैम, जो प्रोसेसर यूज़ किया गया MediaTek Dimensity 7030। बैटरी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, 4400 mAh है, बट 68W चार्जिंग है और 15W की वायरलेस चार्जिंग है और ये तकरीबन 49 मिनट में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इसके साथ साथ 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, 50 MP का इसका कैमरा है जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने, और आप बताएं कि आपको ये कैमरा रिजल्ट कैसा लग रहा है। और जो इसका डिस्प्ले है दैट इज़ OLED डिस्प्ले 1 बिलियन कलर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मौजूद है इसमें Android 13 है क्योंकि लास्ट ईयर ये लॉन्च हुआ है 2023 में। और इसके साथ और जो फ्रंट कैमरा है इस मोटोरोला फोन में वो है 32 MP का और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्राहम करता है 30 FPS के साथ और 1080p भी वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है 60 और 30 फ्रेम रेट के ऊपर। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो इस बूथ के ऊपर मौजूद है, वो है ट्रांसपेरेंट स्क्रीन लैपटॉप। जी हाँ, ये आपकी आंखों के सामने जो लैपटॉप है इसके ऊपर जो आपको लग रहा है ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कुछ ग्लास है, बेसिकली ये डिस्प्ले स्क्रीन है इस लैपटॉप की जिसके आर पार आप देख सकते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे क्या है। आपको लास्ट ईयर याद होगा मोटोरोला का रोलेबल स्क्रीन बहुत मशहूर हुआ था, फिर अभी हमने एक प्रोडक्ट दिखाई जिसमें बेंडिंग LCD है और अब ये लैपटॉप। इसकी अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये 17.3 इंचेस की एक बेजललेस LCD डिस्प्ले है और वो बनी हुई है माइक्रो LED डिस्प्ले के ऊपर जो कि आपको तकरीबन 55% ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है अगर इसके पिक्सल्स को ब्लैक रख के टर्न ऑफ कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही पिक्सल्स ऑन होती हैं
तो डिस्प्ले जो है वो लेस हो जाता है और बिल्कुल सी थ्रू हो जाता है, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप कम्प्लीटली एक ओपैक चीज़ को देख रहे हैं। और इसकी जो ब्राइटनेस है दैट इज़ 1000 nits, यानी अच्छी खासी ब्राइटनेस है जो कि इतनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर या डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल नहीं होती। इस लैपटॉप को देख के आपको बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ और फिल्म्स याद आ जाएंगी कि वहाँ पे आपको ओपेक स्क्रीन नज़र आ रही होती हैं जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं, एक बंदा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर या फिज़ा में काम भी कर रहा होता है, वर्किंग भी हो रही होती है, कुछ मैप खुले हुए होते हैं, कुछ पेंटिंग्स खुली हुई होती हैं, कोई ख़जाने का रास्ता खुला हुआ होता है, तो बिल्कुल आपको वही लुक मिल रहा होता है इस लैपटॉप की स्क्रीन को देख के कि बिल्कुल सामने एक ओपेक स्क्रीन है जिसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ऑलमोस्ट 100% है, इसके आर पार भी नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जो आप लिखते हैं वो भी नज़र आता है। ये वीडियो आप देखें आपकी आंखों के सामने कि ये जो गुलदस्ता रखा हुआ है इतना जूम करने के बाद बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इस प्रोडक्ट के जो डिज़ाइन डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आर्टिस्ट अगर ये हमारा लैपटॉप इस्तेमाल करे तो जिसकी वो पिक्चर बना रहा है उस पिक्चर को पीछे बिठाए और ठक ठक के करके बिल्कुल उसके अपोजिट बिल्कुल उसके सामने बैठ के वो पिक्चर ड्राइंग कर सकता है। तो ये एक बहुत ही डिजिटल आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मज़ीद फीचर ऐड किए जाएंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी से अभी जुड़े हैं उनको हम बताते चलें कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लैपटॉप स्क्रीन जो कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बेस्ड है ये दिया गया था 2010 के CES इवेंट में। ये थी आज की हमारी MWC से डायरेक्ट एपिसोड, और आपको हमने कनेक्ट रखा हुआ है अपनी वीडियोस के सहारे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो से महसूस हो रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है हमारी वीडियो में, कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, या वीडियोस अच्छी लगती हैं, या नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टेकब्लेट ग्लोबल, और हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और कमेंट तो प्लीज़ ज़रूरी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। हेलो हेलो हेलो, नो नो पिक्चर प्लीज, नो 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 पिक्चर, जस्ट डू दिस, थैंक यू।